U.S. Surgeon General has said social media might be hazardous to children and adolescents. अगर आप समाज से अलग थलग महसूस करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताते हैं तो एक नए शोध के अनुसार स्थिति और बिगड़ भी सकती है इससे. मोबाइल एडिक्शन की वजह से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन जैसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी जूझ रहे हैं. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट गौरव कटारे. और क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि खाली समय में आपके दिमाग में क्या चलता है? वेल, एक स्टडी के मुताबिक एक इंसान सबसे ज्यादा क्रिएटिव तब होता है जब वो खाली बैठता है. उसके दिमाग में नए नए क्रिएटिव आइडियाज आते हैं. वो अपने कैरियर के बारे में प्लानिंग बनाता है, अपने गोल को कैसे अचीव करना है इस बात की प्लानिंग करता है. बट सैडली आज के यूथ के दिमाग में खाली समय में चलता है रील्स का म्यूजिक. ये वही म्यूजिक है जो बार बार मोबाइल में स्क्रोल करते टाइम आपके कानों में डल जाता है और फिर ये आपके दिमाग से कभी निकलता ही नहीं है. लेकिन दिमाग के अंदर म्यूजिक घूमना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. बड़ी प्रॉब्लम है वो चीजें जो आपको सोशल मीडिया पर दिखती हैं. आप उनके एडिक्ट बन जाते हो और आपका बार बार सोशल मीडिया खोलकर उन्हीं चीजों को देखने का मन करता है. हो सकता है आपको ये सारी बातें पहले से मालूम हो, आपको पता हो कि सोशल मीडिया का यूज करने के क्या क्या नुकसान है. लेकिन फिर भी क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि क्यों आप बार बार सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हो? और इस सवाल का जवाब है स्ट्रेस बस्टिंग. हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ टेंशन चल रही है. किसी को कैरियर का टेंशन है, किसी को पैसे कमाने की फिक्र है, किसी के घर परिवार में कुछ दिक्कत चल रही है, किसी के रिलेशनशिप खराब है. और इन्हीं सब परेशानियों से दूर भागने के लिए, थोड़ी देर को राहत पाने के लिए शायद आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. आपको ऐसा लगता है कि ये एक बटन दबाकर आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सारे दुख दर्द पीड़ाएं दूर हो जाएंगी. लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? आपकी परेशानियां कम हो रही हैं या और ज्यादा बढ़ रही हैं? साले यूट्यूब के नल्ले बेरोगा छबरी बिगमंगे चोर जेब कतरे और साले चप्पल चोर लड़के यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं ताकि बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाले लड़कियों को ये लगे कि ये बिगमंगे साले छबरी को ही कोठी बंगले वाले लड़के हैं. धन्यवाद. ये वर्ड सुन रहे हो, नल्ले छपरी बेरोजगार भिकमंगे. दिस इज व्हाट द सोशल मीडिया गोना मेक यू. एक शराबी शराब क्यों पीता है? क्योंकि शराब के नशे में वो सारे दुख दर्द थोड़ी देर के लिए भूल जाता है. वो सारी दुनिया से कट जाता है. उसे कुछ भी होश नहीं रहता कि उसके आसपास क्या चल रहा है. और यही सारे सिम्टम्स होते हैं एक सोशल मीडिया अडिक्ट के. तो एक शराब के नशे में और एक सोशल मीडिया के नशे में ज्यादा फर्क नहीं है. अब मे भी बहुत से लोग ये कमेंट करने वाले हों कि गौरव तुम भी तो सोशल मीडिया पर ही वीडियोस बनाते हो, क्या हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पूरी तरह से बंद कर दें? क्या सोशल मीडिया पर सिर्फ बुरी चीजें ही होती हैं? तो देखो, दिस इज द सैड रियलिटी. आप सोशल मीडिया का या मोबाइल का इस्तेमाल करना कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते और ये सही भी नहीं होगा. और ऐसा भी नहीं है कि मोबाइल या इंटरनेट पर हर चीज बुरी है. इंटरनेट फैसिलिटी किसी के लिए एंजल हो सकती है तो किसी के लिए डेविल. ये डिपेंड करता है कि यूज करने वाला पर्सन उस चीज को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है. बट द सैड पार्ट इज कि सोशल मीडिया की जो जायंट कंपनीज हैं उनको आपकी लाइफ, आपके फ्यूचर या आपके कैरियर से कोई लेना देना नहीं है. उन कंपनीज के एप्लीकेशंस को या सोशल मीडिया की स्क्रॉल करने वाले फीचर्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय उनकी एप्लीकेशन पर बिताओ. और आपको इस चीज को समझना है, आपको इन कंपनीज के ट्रैप में नहीं पड़ना है. और रही बात मेरी, जो लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम खुद सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हो और सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करने के लिए मना करते हो, तो मेरी इस हिपोक्रेसी के पीछे रीजन यही है कि अगर मैं सोशल मीडिया के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कोई किताब लिख दूं तो हो सकता है आप उस किताब को पढ़ो, लेकिन ज्यादातर लोग उस किताब को पढ़ना प्रेफर नहीं करेंगे. और इसीलिए सोशल मीडिया के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए भी मुझे सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है. लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उसके द्वारा इस्तेमाल किया नहीं जा रहा. मैं अपना टाइम रील्स देखने में या इंस्टाग्राम पर फालतू की चीजें देखने में वेस्ट नहीं करता. मेरा जितना भी टाइम मोबाइल में स्पेंड होता है वो कुछ ना कुछ रिसर्च करने में, वीडियोस के बारे में नया नॉलेज लेने में या फिर यूट्यूब के वीडियो से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करने में जाता है. चलिए अब बात करते हैं कि कैसे सोशल मीडिया हमको खुशी से ज्यादा दुख देता है. ये ह्यूमन नेचर है कि किसी इंसान की सक्सेस को देखकर सामने वाले व्यक्ति के मन में एक टीज उठती है. किसी की लग्जरी गाड़ी हो, किसी की अच्छी खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो, किसी का फॉरेन वेकेशन हो या फिर हो इंस्टाग्राम पर चल रही परफेक्ट लाइफ, ये सारी चीजें देखने वाले के मन में कहीं ना कहीं एक एंजाइटी क्रिएट होती है. ये एंजाइटी धीरे धीरे बढ़ती है और सामने वाले को अपनी लाइफ बुरी लगने लगती है. और सोचिए, किसी इंसान को अगर अपनी जिंदगी ही खराब लगने लगे तो उससे
बुरा सिनेरियो क्या होगा। हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया को बुरा बनाने में केवल ये बड़ी बड़ी कंपनीज ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो इन्फ्लुएंसर या वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट लाइफ लोगों को दिखा रहे हैं। उसके पीछे उनका कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, लेकिन उस चीज का एक इनडायरेक्ट बैड इफेक्ट ऑडियंस पर जरूर पड़ता है। सोशल मीडिया पर किसी की भी परफेक्ट लाइफ को देखकर एक बार जरूर सोचना कि क्या इस इंसान की जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं होगा, क्या इसकी जिंदगी में कोई परेशानियां नहीं होंगी, क्या वाकई में इसके रिलेशनशिप 2400 घंटे साल के 365 दिन अच्छे ही चलते होंगे, क्या इसकी जिंदगी में कोई एक ऐसा दिन नहीं आता होगा जो खराब हो। लेकिन ये इंसान जो हमें अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है, ये कभी अपनी लाइफ से रिलेटेड बुरी चीजें शो नहीं करता, ये हमें केवल वही दिखाता है जो ये दिखाना चाहता है। और शायद आप में से बहुत से लोग भी यही कर रहे हो, अपना दुख दर्द अपनी गरीबी ये सारी चीजें छुपाकर आप अपनी एक झूठी लाइफ को सोशल मीडिया पर लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो। स्टेटस, रील्स, पोस्ट, शॉर्ट्स, वीडियोस, अरे बस करो, कितना कुछ देखोगे। स्क्रीन से नजर हटाओ, अपने आसपास नजर डालो, अपने आसपास के नजारों को महसूस करो, उस बीतते हुए वक्त को महसूस करो जो हर पल निकल रहा है और कभी वापस नहीं आने वाला। अपने दोस्तों से बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन फोन पर नहीं, आमने सामने। व्हाट्सएप का स्टेटस बनाने की जगह लाइफ में अपना खुद का एक स्टेटस बनाओ। इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने की बजाय अपनी लाइफ की एक ऐसी स्टोरी बनाओ जिसे लोग याद करें। बड़ी पुरानी कहावत है, खाने को भी अगर हद से ज्यादा खाओ तो वह जहर की तरह आपको बीमार कर देगा। ठीक उसी तरह हर चीज की लिमिट क्रॉस करने से वो चीज आपके लिए नुकसानदायक ही होती है। तो ये सोशल मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल आपके लिए बड़े फायदे की चीज है, आप इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर आप इन्हीं चीजों को हद से ज्यादा यूज करने लगोगे, गलत तरह से गलत चीजों के लिए इनका इस्तेमाल करने लगोगे, तो फिर यही चीजें आपकी लाइफ खराब कर देंगी। और ये सब इतना स्लोली होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एनीवे 99% लोग दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। रियलिटी को समझना या रियलिटी को एक्सेप्ट करना लोगों ने बंद कर दिया है। मुझे नहीं पता इस वीडियो को कितने लोग रिलेट कर पाएंगे और अपने सच का सामना कर पाएंगे। एनीवे आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, और अगर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूं आपका होस्ट गौरव पटारे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।